ये भी समझाया है, दो बाप हैं, एक आत्माओं का बाप और एक मनुष्य सृष्टि का बाप। आत्माओं का बाप सुप्रीम सोल शिव, जो शिव की यादगार मंदिर में रखी हुई है। सबसे पहला मंदिर बनाया गया सोमनाथ का मंदिर, उस सोमनाथ मंदिर में लाल पत्थर के लिंग में हीरा जड़ा हुआ था, वो हीरा है सुप्रीम सोल की यादगार। और जिस पत्थर गोल पत्थर में वो जड़ा हुआ था वो लाल पत्थर है शरीरधारी की यादगार, जिस शरीर में वो हीरा प्रवेश करता है सुप्रीम सोल, और उसको हीरा हीरो पाटधारी बनाता है। तो लिंग है शरीरधारी की यादगार, वो यादगार लिंग क्यों बनाई गई, उसको हाथ पांव नाक आंख कान क्यों नहीं दिखाए गए, क्योंकि वो संपूर्ण पुरुषार्थ की स्टेज में जब टिकता है तो इंद्रियों के भान को भूल जाता है। इंद्रियां जैसे हैं ही नहीं, अतिंद्रिय सुख का पार्ट बजाता है, इंद्रियों से परे की स्टेज हो जाती है। इसलिए मेरे लिंग स्वरूप की पूजा होती है। और जो देवताएं हैं उनके हस्त कमल, पाद कमल, नयन कमल, सब इंद्रियों की पूजा होती है, क्योंकि सभी इंद्रियों में पवित्रता समाई जाती है। लेकिन मेरे स्वरूप की जो पूजा होती है वो लिंग रूप की पूजा है, और ये लिंग रूप की पूजा दक्षिण भारत में विशेष फली फूली है। तो दक्षिण भारत के लोग जरूर इस बात को ज्यादा जल्दी पहचान जाते हैं कि शिव क्या है, कैसे सृष्टि पर आता है, कैसे पाठ बजाता है, कैसे पतितों को पावन बनाता है। उत्तर भारत के लोग आज भी अनभिज्ञ हैं, बेचारे नहीं जान पा रहे हैं। भले परमात्मा बाप की जन्मभूमि उत्तर भारत में मनाई जाती है, लेकिन उत्तर भारत के लोग अभी भी अनभिज्ञ हैं, अंधेरे में हैं। और दक्षिण भारत के लोग जो कि भाषा भी नहीं जानते, भाषा की भारी प्रॉब्लम, फिर भी भगवान को पहचान लेते हैं। भगवान आकर के हिंदी में बोलता है, दक्षिण भारत में ही जानते ही नहीं, तो भी उसका जो स्वरूप है, मैं जो हूँ, जैसा हूँ, जिस रूप में पार्ट बजाए रहा हूँ, उस रूप को मेरे बच्चे ही जानते हैं। तो बोला दो बाप हैं, एक बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप और दूसरा है मनुष्यों का बाप, मनुष्य सृष्टि का बाप। मनुष्य सृष्टि के बाप को सब धर्म की आत्माएं मानती है। तो एक है साकार और एक है निराकार। वेदों में भी वो ऋचाएं आई हैं, ऋग्वेद में ये आया है, द्वा सुपर्णा सुयजा सखाया समानम वृक्षम अविशस्व जाते। ये शरीर रूप, ये षष्ठी रूपी वृक्ष है, इस षष्ठी रूपी वृक्ष पर दो पक्षी विराजमान है, एक साकार है और एक निराकार है, एक भोगी है और एक अभोक्ता है। है एक ही शरीर, एक ही शरीर में दो प्रकार की आत्माएं कार्य करती है।
तो सभी आत्मा रूपी बच्चे अपने शरीर में रहते हुए उस अभोक्ता बाप को याद करती है। वो है बाप, ये भी समझाया है कि एक को याद नहीं करते हैं, साकार और निराकार दोनों के मेल को याद करते हैं। सत्य को तेता में कोई याद नहीं करता। क्यों नहीं याद करता? क्योंकि बाप का वर्षा सुख मिल जाता है, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। सुख की सृष्टि में कोई परमात्मा बाप को याद नहीं करता। जब द्वैतवादी धर्म आते हैं तब दुख की शुरुआत होती है, और जब जास्ती दुख बढ़ता है तो भक्ति बहुत बढ़ जाती है। जो दुखी बच्चे हैं वो बहुत याद करने लग पड़ते हैं। ये पतित दुनिया में सब पतित है, एक भी पावन देवता नहीं है, एक भी मनुष्य आत्मा ऐसी नहीं है जो ये कहे कि मैं किसी को दुख नहीं देता। तन से, मन से, धन से, समय, संपर्क और संबंधियों से कुछ न कुछ दूसरों को दुख जरूर देते हैं। तो आज के मनुष्य जो सत्युग त्रेता में देवता थे वो देवता से बदल करके मनुष्य बने, और मनुष्य से बिगड़ करके अब राक्षस बन चुके हैं। दैत्यों का काम होता है दुख देना, और जो भगवान आकर के देवता बना के जाता है उन देवताओं का काम होता है दूसरों को सुख देना। देवताएं सुख ही सुख देते हैं और दैत्य दुख ही दुख देते हैं। आज दैत्यों की दुनिया है, इन असुरों को बदल करके देवता बनाना ये एक ही सुप्रीम सोल बाप का काम है। अभी सारी दुनिया रावण की जेल में, ऐसे नहीं कि लंका में रावण था, नहीं, सारी दुनिया वेट है। इस सारी दुनिया के चारों ओर पानी ही पानी है, और इस रावण की दुनिया में राम का राज्य नहीं है। क्या राम वाली आत्मा तो है, हीरो पार्टधारी है, लेकिन उसके लिए बोला है सुबह का अमीर और शाम का फकीर। हर कल्प में ऐसा ही पार्ट बजाता है, कलयुग के अंत में फकीर बन जाता है, और नई दुनिया की शुरुआत में विश्व का मालिक बन जाता है। इसलिए स्लोगन दिया हुआ है, शंकर विश्वनाथ कहलाते, राधा कृष्ण उन्हीं से आते। क्या सारे विश्व का नाथ कौन बनता है? हिटलर नहीं बनता, नेपोलियन नहीं बनता, मुसोलिनी नहीं बनता। हिस्ट्री में इनकी बातें आई हैं कि ऐसे ऐसे महत्वाकांक्षी दूसरे धर्मों में हुए हैं जिन्होंने इच्छा की कि हम सारी दुनिया पर विश्व में राज्य करेंगे, लेकिन वो सारी दुनिया में विश्व पर राज्य नहीं कर सके, बीच में ही मर मिल जाए के चले गए। ये तो एक सुप्रीम सोल बाप ही है जो आकर के ऐसी पढ़ाई पढ़ाए रहा है, ऐसा राजयोग सिखाए रहा है, जिस राजयोग को सीख करके सारी सृष्टि पर राजाई प्राप्त कराने का पुरुषार्थ कराया जा रहा है। अब जो जैसा पुरुषार्थ करे वैसा जन्म जन्मांतर का राजा बने। कोई ऐसे भी होंगे जो सम्राट बनेंगे, कोई ऐसे भी होंगे जो जन्म जन्मांतर राजाएं बनेंगे, छोटे बड़े राजाएं बनेंगे, कोई ऐसे होंगे जो राजकुल में जन्म तो लेंगे लेकिन राजा नहीं बनेंगे, राजकुमार राजकुमारी बनकर के रह जाएंगे।
तो ये प्राप्ति परमात्मा बाप आकर के कराए रहे। ओम शांति।